ब्रेकिंग न्यूज, नवीन युवा संगठन द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आगरा, कोरोना काल में आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त हुई दिवंगत आत्माओं की शांति हेतु एक हवन का आयोजन किया गया। नवीन युवा संगठन एवं आनंदपुरम कॉलोनी के लोगों के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिन के अवसर पर फल वितरण किए गए एवं विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण किया गया। इस मौके पर नवीन युवा संगठन के महानगर अध्यक्ष विक्की बाबा, प्रदेश अध्यक्ष देवेश अग्रवाल, महिला मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष संगीता शर्मा, महामंत्री गौरव जैन, राजेश धनवानी, राहुल मनमानी, सोनू कुमार, जितेंद्र आदि लोग उपस्थित रहे। आगरा से एडी न्यूज 15 सच आप तक के लिए सलामुद्दीन अब्बासी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहे हर खबर के लिए। क्या कार्यक्रम रखा गया आज? हम लोगों ने आनंदपुरम कॉलोनी आनंदेश्वर मंदिर में एक हवन रखा गया। ये हवन उन लोगों के लिए जो लोग हमारे कोरोना महामारी में जो परिचित लोग थे, राजनीतिक लोग हो गए, अपने प्रेस वाले हो गए, बहुत लोग इसमें गए हैं। इसमें हमें बहुतों की हानि हुई है, बहुत सारे लोग चले गए इसमें से, तो इसलिए हम लोगों ने हवन रखा है इनकी आत्मा की शांति के लिए। और दूसरा, आज ये योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन भी है। धन्यवाद, हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ अपने यूपी के सीएम को। और एक उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिन लोगों के सर से माँ बाप का हाथ चला गया है, जो लोग अनाथ हो गए हैं, उनको योगी जी थोड़ी सी मदद करें मुक्त राशि के रूप में। और इसके लिए नवीन युवा संगठन हर वक्त उन लोगों के साथ में खड़ा हुआ। भाई साहब, आज तक देखा गया कि राजनेताओं के बर्थडे पर केक काटे जाते हैं, माले अर्पण किए जाते हैं, लेकिन योगी जी पर हवन क्यों किया गया, उन पर केक क्यों नहीं काटा गया? एक्चुअली हमने जो हवन किया है वो उन लोगों के लिए किया गया है जो कि कोरोना महामारी में चले गए, उनकी आत्मा को शांति मिले, इसलिए हम लोगों ने हवन किया है। योगी जी को हम हवन नहीं करेंगे, हम लोग आज क्या फल वितरण कर रहे हैं इसके लिए। शर्मा, नवीन युवा संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज का ये जो कार्यक्रम है, ये हमारे माननीय योगी जी का जन्म दिवस है, उसी के शुभ अवसर पर हमने यह पौधारोपण का प्रोग्राम किया है। वैसे आज पर्यावरण दिवस भी है, तो हमने सोचा कि क्यों ना कोरोना जो महामारी चल रही है उसके चलते लोग परेशान हो रहे हैं, हमारी आगे आने वाली जनरेशन को कोई परेशानी नहीं हो। जैसे अभी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम के लिए हम लोग भाग रहे हैं, हमें नहीं मिल रहे हैं सिलेंडर, तो हमारी जो जनरेशन है उनको नेचुरल ऑक्सीजन मिलती रहे, यही हमारा उद्देश्य है। और सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वह हमारा माननीय योगी जी का जन्म दिवस है, जिसके लिए हमने ये पौधारोपण किया है। प्रदेश अध्यक्ष देवेश अग्रवाल, आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है, जो हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में या पूरे आगरा शहर में जिसे जन हानि हुई है, जो हमारे पत्रकार महोदय या हमारे समाज सेवी या जो भी हमारे देश के या शहर के लोग शहीद हुए हैं या फिर कोरोना काल में जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उनके लिए एक हवन कार्यक्रम किया गया है उनकी आत्मा की शुद्धि के लिए। और साथ ही आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिवस है, उसके उपलक्ष्य में हमने हवन उनके लिए भी किया गया, क्योंकि हमारी हिंदू संस्कृति में केक काटना मना है, तो उसी के लिए हमारी संस्कृति को फैलाने के लिए और हिंदू धर्म को फैलाने के लिए, ये बताने के लिए आप मीडिया लोगों के माध्यम से कि हमारी हिंदू संस्कृति में हवन का या कोई भी पूजा पर जो होता है उसका कितना बड़ा महत्व है, इसके लिए हम लोगों ने ये हवन किया था। और साथ ही मुख्यमंत्री के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में और महानगर के विक्की बाबा के नेतृत्व में अभी यहाँ पर फल वितरण का कार्यक्रम होगा और करीब 12-15 पौधारोपण का कार्यक्रम हुआ है।